नमस्कार जोहार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम लोग जितेंद्र टॉकीज के सामने है, जहां पर आप देख रहे हैं एक बड़ी मूवी यहां लगी हुई है, RRR, जिसको ट्रिपल आर भी कहा जा रहा है। और इस फिल्म में एक संदेश दिया गया है कि अगर आपको अपना हक लेना है तो उसके लिए जागरूक होना होगा, लड़ना होगा। और इसी सिलसिले में इस समय हम लोग यहाँ मौजूद है, कुछ नौजवान यहाँ खड़े हैं, ये रैपिडो के एम्प्लॉयज है और इनकी समस्या को लेकर आज ये स्ट्राइक में है। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्यों ये नौबत आ गई कि इन्हें आज स्ट्राइक में आना पड़ा। क्या नाम है आपका? बोले तो हम कैसे मार लें, कितने दिनों का साथ मौजूद है, क्या समस्या आ गई? समस्या यही है सर कि हम लोग का जब से चालू है रेट कार्ड वही है, 75 रुपये तेल था तब भी आज 3 रुपया है, तो भी वही रेट कार्ड है। प्लेटफॉर्म चार्ज बहुत हाई है, इतना कट रहा है कि मतलब एक राइड मारते हैं हम तो जब से स्टार्ट किए तब से यही रेट कार्ड है। कब से स्टार्ट? मतलब एक साल हो गया, एक साल डेढ़ साल हो गया। रैपिडो की समस्या को लेकर आज आप लोग काम पर नहीं है, स्ट्राइक में है, ये नौबत कब से शुरू हुई और आज ये कदम क्यों उठाना पड़ा लोगों को? इसलिए सर कि पेट्रोल का कीमत रोज पर प्रतिदिन लीटर पे बढ़ ही रही है और हम लोग केवल रैपिडो बाइक ही स्पेशल मारते हैं तो हम लोगों का मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही है। और उसमें सबसे बड़ा क्या है कि हम लोग सर का भी रिक्वेस्ट है कि ये बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि हमें भी टाइम दिया जाए। सही बात है, हम लोग भी सभी लोग मिल करके बोल रहे हैं कि हाँ सर को भी टाइम दिया जाए। क्या है कि सर भी लगे हुए हैं, हमारी टीम लीडर भी लगे हुए हैं, टीम मेंबर भी सभी लोग लगे हुए हैं कि हाँ किसी तरह से इनको हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। कंपनी को भी बोल रहे हैं कि टीम लीडर के साथ हैं और टीम लीडर हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। ये जो समस्या है सिर्फ बोकारो जिले में है कि दूसरे जिलों में भी है? सभी जिलों में है ये समस्या है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोकारो में ही है, सभी जिलों में ये समस्या है। हर दिन रेट बढ़ता जा रहा है पेट्रोल का, तो मेंटेनेंस कहाँ से हो पाएगा? सिर्फ पेट्रोल पे ही तो डिपेंडेंट नहीं है हम लोगों, बाकी खर्चा भी तो देखना है उसका, मेंटेनेंस है, मोबिल है, टायर है, सब कुछ है उसका। मेरे अकेले से तो ये संभव नहीं है, सब कोई मिल के ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो बाकी हमारे टीम लीडर जो है कंपनी को ये चीज़ देखना चाहिए कि आगे रेट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कंपनी को। कैसे एक तरफ से जाते हैं तो दूसरी तरफ से खाली आना पड़ता है, तो पेट्रोल आने का भी लग रहा है और जाने का भी लग रहा है हमारा, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन कंपनी को निकालना होगा। हायर अथॉरिटी से आपने बात की तो क्या बताया गया? अभी तक सर हायर अथॉरिटी से बात नहीं है, आगे जो TM है उनसे बात हुई है और उन्होंने बोला है कंपनी से बात कर, आश्वासन चल रहा है, कितने दिन चलेगा आश्वासन ये नहीं कह सकते। इन्होंने क्या बताया, इनकी क्या समस्या है, ये आगे किस तरह का आपकी बातों को रखने का काम कह रहे हैं? क्या अथॉरिटी से बात हुई है, मेल हुई है, व्हाट्सएप पे बात हुई है, बाकी आगे देखते हैं, एक हफ्ते या 10 दिन जो भी लगे इसमें क्या करते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर आगे हम और स्ट्राइक करेंगे। किस कंपनी से आप सभी युवा जुड़े, कितने युवा हैं बोकारो में? ये हम लोग 50 लोग जुड़े हुए हैं, 50 लोग बोकारो जिले में, 50 जुड़े हुए हैं पूरे बोकारो में, 50 लोग जुड़े हैं, उनमें से ये सभी युवा आज हैं और सभी की सेम समस्या है कि कैसे इनके साथ जो रेट चार्ट की समस्या है वो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है और उसी समस्या को लेकर ये सभी युवा जुटे हैं और अपने जो टीम लीडर है, टीम मैनेजर है, इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी समस्या को हायर अथॉरिटी के सामने रखा जाए। आप सर कुछ बताएंगे इस मामले में? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बंदा लोग का राइट सही है, मैं कभी भी इन लोगों को डिनाई नहीं किया हूँ, ठीक है। और मैं ये सिर्फ 2 दिन हुआ है, ठीक है, ये इशू 2 दिन हुआ है, तो जो भी बंदे मेरे जो भी है, प्रमोद है, सुबोध है या तिवारी जी हैं, तो उनको मैंने सजेशन दिया था, इवन मैंने मीटिंग भी किया था ये लोग के साथ, वन टाइम मीटिंग भी हुआ था, तो मैंने इनको बताया था कि आप लोग ज़रूर, आप लोग का राइट है, पेट्रोल बढ़ रहा है हम समझ रहे हैं और कंपनी भी जान रही है और इसका ये कोई रेट छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैंने इनको बोला था कि मैं अपना जो भी हायर मैनेजर है उनसे मैं इवन मेरा बात चला गया कंपनी को, ठीक है, और मैंने इन लोग को बोला है कि ज़रूर मैं उस पर काम कर रहा हूँ और निश्चित ही कुछ ना कुछ उसमें हम रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है।
सॉल्यूशन सर आएगा, लेकिन तब तक ये कह रहे हैं कि काफ़ी देर हो जाती है इस तरह की बातों में। आपको क्या लगता है कितने दिनों में सॉल्यूशन आने की उम्मीद है इनकी समस्याओं का? सर देखिए, डिसीजन मेकर मैं नहीं हूँ, ठीक है। मेरा काम है सिटी का जो भी ग्राउंड रिपोर्ट है वो कंपनी तक पहुँचाना, ठीक है। तो जो भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बंदरों पर, चाहे राइड्स के रिलेटेड है, चाहे पेट्रोल से रिलेटेड है, या और भी कोई इश्यूज है, तो मैं कंपनी को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। उधर से ज़रूर हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैं इतना आश्वस्त हूँ, और बंदे लोग को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना जो भी वर्क है वो करते रहिए, निश्चिंत है मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट दूँगा। इनका साफ साफ कहना है कि आपका जो काम है इनको करते रहना, और ये जो इनके टीम लीडर है, टीम मैनेजर है, इन्होंने साफ साफ कहा है, हायर अथॉरिटी के सामने इन्होंने इनकी बात को पुट किया है, और आने वाले समय में जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण हो, इन्हें भी ये उम्मीद है, क्योंकि ये इनके पूरे परिवार के सदस्य, ये सभी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और इन्हें भी तकलीफ होती है जब इनके साथ रहने वाले लोग तकलीफ में होते हैं, और जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो, ऐसे इनके टीम लीडर भी उम्मीद कर रहे हैं।